100 करोड़ वसूली केस अनिल देशमुख के साथ उनके बेटे और करीबियों पर लटकी जांच की तलवार, ईडी ने किए बड़े खुलासे। मुंबई के होटल ताज में दो बंदूकधारियों के घुसने की खबर, कॉल करने वाला निकला 14 साल का बच्चा। सीएम ठाकरे का फडणवीस को जवाब, कुछ लोग को नहीं पता संघर्ष कब करे संवाद कब। 100 करोड़ वसूली मामला, एक करता था डील दूसरा गिनता था केस, ईडी ने अनिल देशमुख के दोनों पीए को किया गिरफ्तार। डेल्टा प्लस वेरिएंट का कहर, 12 राज्यों तक पहुंचा वायरस का नया रूप, महाराष्ट्र में मिले सबसे ज्यादा केस। ओबीसी आरक्षण मुद्दे पर भाजपा का महाराष्ट्र भर में चक्का जाम आंदोलन, अगर आरक्षण नहीं लौटा पाए तो राजनीति से संन्यास लूंगा बोले देवेंद्र फडणवीस। एकला चलोरे का राग छोड़ने की नसीहत लेकर नाना पटोले महाराष्ट्र रवाना। समन के बावजूद आज ईडी के सामने पेश नहीं हुए महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, मांगी कुछ दिनों की रियायत। गोवा जारी राजधानी एक्सप्रेस बोल्डर से टकराकर पटरी से उतरी, सभी यात्री सुरक्षित।